एटीएम पिन कैसे बनाएं? दोस्तों, जैसे ही हमें एटीएम कार्ड मिल जाता है तो नई उलझन ये होती है कि एटीएम पिन पासवर्ड कैसे बनाएं, कहां जाएं, कहां से पिन बनाएं, कैसे पिन बनाएं, किस एरिया में एटीएम मशीन है, आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है या न्यू अकाउंट ओपन करवाया है या आपका जूना अकाउंट है, आपको एटीएम कार्ड मिल गया है, एटीएम पिन बनाना है या एटीएम पासवर्ड बनवाना है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ ही सिंपल स्टेप देखकर आप सीख जाएंगे एटीएम पासवर्ड बनाना। हेलो दोस्तों, मैं यूसुफ शेख, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो आप ये तय कर लें कि जाना कब है, साथ में एटीएम लेना ना भूलें और बहुत जरूरी है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल का साथ में होना, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जनरेट होता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको भक्ति पार्क बैंक ऑफ इंडिया एटीएम मशीन में ले चलता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया एटीएम पिन जनरेट का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखकर और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया एटीएम पिन जनरेट वीडियो पर आप सभी साथियों का बड़ा प्यार मिला, उस वीडियो को देखने वालों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये आप देख रहे हैं भक्ति पार्क न्यू टावर, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब ये आनिक आगर हाईवे रोड पर पहुंच चुके हैं हम, आपके सामने भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन दिखाई दे रहा है। इसके आगे जाते ही राइट में अजमेरा आइलैंड भक्ति पार्क एंट्रेंस मिलेगा। इंटर होते ही सामने बहुत बड़ा गोल आकार का एशिया का दूसरा डॉम थिएटर दिखाई देगा। ये रहा आईमैक्स थिएटर, जिसे पहले आईमैक्स एडलब्स कहा जाता था, जो अब कोरोना काल के बाद ओपन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया भक्ति पार्क ब्रांच है, उसी के बाजू में एटीएम मशीन, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, एक छोटी सी गैलरी आपको दिखाई देगी। चलिए एटीएम पासवर्ड कैसे बनाया जाता है जान लेते हैं। ये रही एटीएम मशीन, सबसे पहले हम हमारा एटीएम कार्ड एटीएम मशीन स्लॉट में डालेंगे। फिर आपको एटीएम मशीन डिस्प्ले पर भाषा चुननी होगी, इंग्लिश, हिंदी, हम इंग्लिश चुन लेते हैं। इंटर पिन, पिन तो हम बनाने आए हैं, पिन हमारे पास नहीं है। ग्रीन पिन, ग्रीन पिन हमें चुनना है। ग्रीन पिन के बाद हमें जनरेट ओटीपी चुनना है। कुछ ही पल में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली। अब हमें अपना एटीएम कार्ड निकाल लेना है। ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया था तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस आया है कि नहीं देख लेना है। इस प्रोसेस में हमें रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस मिल गया है। एसएमएस ओटीपी 6 डिजिट वाला हम पेन कलम से किसी कागज पर लिख लेते हैं तो बेहतर है, देखने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कम समय में ये अगली प्रोसेस करनी होगी। अब दोबारा हम एटीएम मशीन स्लॉट में एटीएम कार्ड डालेंगे। फिर आपको एटीएम मशीन डिस्प्ले पर भाषा चुननी होगी, इंग्लिश, हिंदी, हम इंग्लिश चुन लेते हैं। इंटर पिन, पिन तो हम बनाने आए हैं, पिन हमारे पास नहीं है। ग्रीन पिन, ग्रीन पिन हमें चुनना है। अब हमें वैलिडेट ओटीपी को चुनना है। इंटर योर ओटीपी वैल्यू, यहाँ पर बिना समय खराब किए रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया 6 डिजिट वाला एसएमएस तुरंत डालना होगा। तुरंत आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपने अपना सोचा हुआ सिक्योर 4 डिजिट का नंबर दर्ज करना होगा। 4 डिजिट का सेम नंबर दोबारा दर्ज करना होगा। आपका एटीएम पासवर्ड पिन तैयार हो गया है। अब आपने अपना एटीएम कार्ड निकाल लेना है। एक बार एटीएम कार्ड चलाकर देख लेते हैं हमारा एटीएम पासवर्ड पिन बराबर से काम करेगा या नहीं।
अकाउंट बैलेंस चेक कर लेते हैं फिर एक बार। दोबारा हम एटीएम मशीन स्लॉट में एटीएम कार्ड डालेंगे। फिर आपको एटीएम मशीन डिस्प्ले पर भाषा चुननी होगी, इंग्लिश हिंदी। हम इंग्लिश चुन लेते हैं। इंटर पिन, हमने पिन बनाया है 4 डिजिट का नंबर, इंटर पिन को चुनेंगे। सिक्योर 4 डिजिट का नंबर पासवर्ड पिन दर्ज करना है। एटीएम मशीन डिस्प्ले पर बहुत सी सेवाएं दिखाई जा रही हैं, हमें अकाउंट बैलेंस चेक करना है। हम बैलेंस इंक्वायरी को चुन लेते हैं। हमें रसीद भी चाहिए, हम यस चुनेंगे। पल भर में हमें यहाँ हमारे अकाउंट बैलेंस की जानकारी दिखाई दे रही है। अब हमें अपना एटीएम कार्ड निकाल लेना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, भक्ति पार्क टावर क्यों दिखा रहा हूँ, उसका जवाब यह है कि कुछ ही दिनों में बैंक ऑफ इंडिया भक्ति पार्क ब्रांच इसी टावर के ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट होगी और आपको सभी बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। गुड लक।